नमस्कार, मैं हूं आस्का और आप देख रहे हैं प्रयास न्यूज। और आज है हमारे साथ समाज सेवी कुंदन सिंह जी, जो हमारे साथ बात करने वाले बिहार के अभी वर्तमान स्थिति के बारे में। तो चर्चा करने से पहले आइए जानते हैं इनका परिचय। नमस्कार, प्रयास न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। और मैं कुंदन सिंह, फिलहाल में मैं बिहार में हूँ और बिहार की राजनीति को भी देखता हूँ। बिहार में समाज सेवा के स्तर को भी बहुत जमीन स्तर पे छूता हूँ उसको, यानी जमीनी स्तर पे कार्य करता हूँ। और मेरा ये इंटरेस्ट करीब 8-10 साल से है, जब मैं काफ़ी छोटा था, 10th 11th में था, तब से मेरा समाज सेवा का इंटरेस्ट है। मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन टूरिज़्म किया है, साथ में अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी, अभी मैं फिलहाल समाज सेवा के क्षेत्र में अपने आप को ज्यादा लाना चाहता हूँ और इसीलिए कार्य कर रहा हूँ। और समय समय पर लोगों के पास पहुंचना, यही मेरा मकसद होता है और आज उसी कड़ी में मैं आपके साथ आया हूँ प्रयास न्यूज़ के। आज का शो हम स्टार्ट करते हैं और कुंदन जी से हम पूछते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि है बिहारी मजदूरों के पलायन पर आपका क्या राय है कुंदन जी। आशिका जी, देखिए सबसे पहले बड़ी बात है कि बिहार से लोग, जब से बिहार में कहा जाए कि जब से झारखंड अलग हुआ बिहार से जी, तब से यहाँ सिर्फ और सिर्फ मजदूर पैदा हुए और मजदूरों के जो पलायन के चर्चे हैं आज बिहारी के ही, सिर्फ बिहारी मजदूरों के पलायन के चर्चे पूरे देश भर में हैं। कहीं कोई नहीं चर्चा कर रहा कि महाराष्ट्र, बिहार से महाराष्ट्र के लोग, मतलब जो बिहार में महाराष्ट्र के लोग हैं वो जा रहे हैं या फिर बिहार में केरल के लोग हैं वो जा रहे हैं। सिर्फ क्यों यही चर्चा है कि बिहारी मजदूर महाराष्ट्र से, केरल से, तमिलनाडु से, आंध्र से, दिल्ली से, चेन्नई से, क्यों वही सिर्फ चर्चा है कि बिहार के लोग आ रहे, बिहारी मजदूर आ रहे। तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के नेताओं ने बिहारियों को मजदूर बनाने का जो फैक्ट्री खोला, इसको मजदूर फैक्ट्री कहते हैं, और अपने आप को सिर्फ सर्वगुण संपन्न दिखाना, यानी कि हम मास्टरमाइंड है, राजनीति के मास्टरमाइंड है। अरे आपकी राजनीति की मास्टरमाइंड यहाँ कहाँ चली गई थी, जो 20 साल उधर 80 के बाद और जो 20 साल इधर 2000 के बाद, इन 40 वर्षों में अगर आप देखें ना, तो हमारा जो लेबल है वो सिर्फ मजदूर फैक्ट्री का हुआ है। और इसीलिए आज ये पलायन का नौबत आया है। पलायन का नौबत नहीं आता, पलायन का नौबत यहाँ के राजनेताओं की वजह से आई। अपने बेटों को, अपने परिवार को, अपने घर को, अपने रिश्तेदारों को राजनीति में लाने के लिए लोगों के हितों को नहीं सोचा। और आज स्थिति ये है कि बिहार में जो पहले चीनी मिलें थी, जो सुगर, जो सीमेंट फैक्ट्री थी, जो आपका फर्टिलाइजर फैक्ट्री था जी, सारी चीज़ें बंद पड़ी हैं। बिहार से झारखंड अलग हो गया, टाटा जमशेदपुर और बोकारो स्टील प्लांट चला गया, उसके बाद हमारे पास बचा ही क्या? और इस 20 सालों में सरकार ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया, मतलब गारंटी के साथ कह सकते हैं कि कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जिसमें लाखों करोड़ों लोग जो बिहार के बाहर रहते हैं, जिनकी जो अपनी रोजी रोटी के लिए बिहार के बाहर जाते हैं, उसके लिए सरकार ने ऐसा कुछ किया होगा। आज सब मजदूरों की राग रो रहे हैं। अरे कौन रो रहा है राग, जिसने कभी बिहारियों के बारे में सोचा नहीं, जिसने बिहारियों के वोट पर सिर्फ रोटी सेंकी, वो आदमी कह रहा है बिहारी मजदूर। अरे बिहारी मजदूर ही पैदा किए हो तो फिर रोते क्यों हो? सरकार की चुप्पी स्पेशली है क्योंकि वो जानते हैं कि हमने कुछ किया नहीं। और मजदूरों का पलायन तो वाकई सी जाहिर सी बात है कि इतने बड़े समय से लॉकडाउन है देश में और लॉकडाउन की वजह से खाने की कितनी किल्लत होगी, क्योंकि कंपनियों ने सैलरी देना बंद कर दिया है, प्रोडक्शन बंद है, आपका माल निकल नहीं रहा है, कंपनियाँ बंद हैं, तो काम कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा? इसलिए बड़े स्तर पर देश भर से पलायन हो रहा है और बिहार में लोग आ रहे हैं। और इसका बड़ा इफेक्ट होने वाला है, इसका बड़ा इफेक्ट ये होने वाला है कि जब लॉकडाउन के बाद कंपनियां खुलेंगी तो लेबर कहाँ से आएगा? जी सही बात। जब सारे लेबर हैं, जो सारे एम्प्लॉयज हैं, वो सब अपने अपने घरों को आ गए, तो फिर लेबर वहां पे आएगा कहाँ से, प्रोडक्शन होगा कैसे? तो महंगाई बढ़ेगी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है इस कोरोना के बाद, तो और ज्यादा उसका इफेक्ट होगा। तो मजदूरों का पलायन बहुत दुखद है और सिर्फ नेताओं ने रोटी से वो सेंकी है, जिसकी वजह से आज ये दर्द बिहार को झेलना पड़ रहा है। जी जी कुंदन जी, आपकी सारी बातें अभी हमारे दर्शकों ने सुना और हम सब देख रहे, सारी बातें सही है, लेकिन अभी जो बिहार के वर्तमान काल में 40 सांसद और 243 विधायकों की जो भूमिका है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सब लोगों को यही पहले तो जानना चाहिए कि उसका सांसद इस वक्त है कहाँ। जी, जैसे मैं अपने सांसद को ढूंढता हूँ, मेरा सांसद है कहाँ? मेरा सांसद कहीं जमीन पर है ही नहीं। उसी तरीके से बिहार के 40 में से 40 सांसद कोई जमीन पर नहीं है। अगर सही से पता लगाए ना लोग,
तो कोई देखेगा कि उसका सांसद दिल्ली में बैठा है, कोई देखेगा उसका सांसद कहीं बैठा हुआ है, उसका सांसद घर में बैठा। कोई भी सांसद जमीन पर नहीं है, गारंटी के साथ कह सकते हैं। आपको कभी भी कोई सांसद नहीं दिखा होगा कि क्वारंटीन सेंटर में जाके लोगों को कह रहा होगा कि भाई आप हमारी तरफ से ये है, आपको इतना मदद दे रहे हैं, आपको इतना मदद, कोई नहीं। और 243 विधायक तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ विधायक और सांसद बना किस लिए जाता है? यहाँ विधायक और सांसद बना जाता है रसूख के लिए। जैसे जनता मर रही है ना, तो कोई देखने नहीं आएगा जी, क्योंकि हमको रसूख प्यारा है ना, विधायक और सांसदों को रसूख प्यारा है, जनता नहीं। कल मैंने एक वीडियो देखा, मेरी अंतरात्मा से बहुत ज़्यादा मतलब लगा कि अब हम क्या कर सकते हैं। उस वीडियो में एक महिला जिसका पति, उनके पति की डेथ हो गई थी जी। और वो सासाराम की महिला थी, दिल्ली बॉर्डर पे खड़ी थी 2 दिन से भूखी प्यासी। उस औरत को भूख प्यास क्या लगेगी जिसके हस्बैंड की मौत हो गई हो? लेकिन सांसद और विधायक, एक भी विधायक और एक भी सांसद बिहार का ऐसा नहीं होगा जिसने अप्रोच किया होगा कि उस महिला को घर पहुँचाया जाए। सब अपने घरों में, सबके बच्चे सुरक्षित हैं, सबके बेटी दामाद सबके सुरक्षित हैं, जनता का कौन सोचेगा? सभी सांसद ने अभी कुछ दिन पहले घोषणा हुआ, सभी सांसदों ने कहा कि हम 1 करोड़ रुपए अपने क्षेत्र की जनता, मैं कहता हूं गारंटी के साथ कि अगर कोई माइका लाल सांसद है तो आके कहे कि वो 1 करोड़ रुपए किस ग्राम पंचायत में और किस गाँव में दिए गए, किस स्तर पर उसको बांटा गया, कोई रिकॉर्ड नहीं है। देखिएगा जब चुनाव, जब ये समय खत्म होगा ना कोरोना, तो एक घोटाला सामने आएगा, क्वारंटीन घोटाला। इसमें क्वारंटीन करने के लिए कितना पैसा खर्चा किया गया और कितना पैसा सांसद अपने फंड से निकाल के दिया, सबका घोटाला सामने आएगा। ठीक है, कोरोना घोटाला आएगा अब। ठीक है, तो ये है सांसदों और विधायकों की स्थिति, कोई जमीन पर नहीं है, सब घर में सुरक्षित है अपने। अच्छा, आपने एक और चीज देखा होगा, बिहार के विधायक की बात की आपने, तो एक खिसुआ के एक विधायक महोदय है, पूरे बिहार के पब्लिक के बाल बच्चे सब रहते हैं कोटा में, कभी किसी को परमिशन नहीं दिया गया, जबकि विधायक जी को अपनी बेटी को लाने के लिए परमिशन मिल जाता है। ये हाल है यहाँ के रसूख का, तो यहाँ जनता के लिए कोई नहीं है, वो सब चुनाव के वक्त है। तो विधायक और सांसद, ये जो अपनी भूमिका है उनकी, वो नगण्य भूमिका है, कोई जमीन पर नहीं है। चुनाव आने वाला है, खुद ब खुद अब इसके बाद लोग आएंगे सामने, पूछा जाए। तो कुंदन जी, अभी आपने यहाँ पे बोला क्वारंटाइन सेंटर के बारे में, तो आप बिलोंग करते हैं पटना जिला के ग्रामीण इलाके से, तो आपके जिले, आपके जो जगह है उस तरफ ये क्वारंटाइन जो सेंटर है वो सफल रह पा रहा है, कितना सफल रह पा रहा है, या फिर कुछ आप कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, क्वारंटाइन सेंटर में जो हकीकत है जी, वो पूरा वीडियो चल रहा है। और कल मेरे दोस्त ने मेरे को पीलीभीत से फोन किया कि भाई तुम्हारे यहाँ क्वारंटाइन सेंटर पे तो इतना मजाक बन रहा है कि समझ नहीं आ रहा, तो ये मजाक भी बनवा रहे हैं। बिहार सरकार के पास कोई ऐसा ठोस प्रबंधन नहीं है जिस पर वो कह सके कि क्वारंटाइन सेंटर में हम लोगों को सुरक्षित रखें, पहली बात। दूसरी बात कि वहाँ पे अभी एक दो वीडियो हमारे पास आए, लोगों ने भेजे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर में जो जाँच की व्यवस्था है वो बिना लिखे ही, बिना जांच किए थर्मामीटर लगाया उसको जांच का बता देता है कि इतना बुखार है आपका। ये कौन सा जांच व्यवस्था है भाई? हम सीएम हाउस में आके करें जांच? 97.5 लिख दे बिना जांचे हुए, मान जाओगे? तो ये इस तरीके का मजाक चल रहा है। दूसरी बात, अभी एक वारसलीगंज नवादा का घटना मेरे सामने आया है, जिसमें बच्चे ने जब कहा ये जांच करने के लिए, कोरोना जांच करने के लिए, तो बिना वो उसके जांच के वो तो 97.5 लिख दिया, उसके साथ वीडियो साहब ने उसको जेल भेज दिया। अभी ये खबर हमारे चैनल पे दिखाई दी है, तो अब आप बताइए कि सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए किए गए वादे जमीनी स्तर पे आपको कितना सही लगता है या सफल लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है आशिका जी कि सच्चाई जो है वो सच्चाई दिख नहीं रही जी। लोग तड़प रहे हैं मगर सरकार को सच्चाई दिखती ही नहीं है। क्वारंटीन सेंटर में प्रति व्यक्ति, मैं एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि 2400 समथिंग रुपए प्रतिदिन के खर्च हिसाब से खर्च होता है। किसी भी क्वारंटीन सेंटर में आप चले जाइए, आपको सच्चाई दिख जाएगी। उसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं कि सरकार कितनी उसमें व्यवस्था कर रही है। मतलब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि मीडिया में, पेपर में, हर चीज़ पे आप दिखा रहे हैं कि हम ये व्यवस्था कर रहे हैं, हम ये व्यवस्था, लेकिन जो हकीकत क्या है वो क्वारंटीन सेंटर का, कि लोग जो हैं, मतलब हमें तो यहाँ तक खबर मिली कि क्वारंटीन सेंटर में जगह नहीं है, लोग रहने को मतलब मजबूर हैं किसी तरीके से। अभी कल का वाक्य मैं बता रहा हूँ, मेरे गाँव का एक लड़का आया है बाहर से और जांच कराने के लिए यहाँ पे आया, तो यहाँ पे उनको जवाब मिला कि क्वारंटीन सेंटर में जगह नहीं है, इसलिए आप घर में ही क्वारंटीन रहें। अब बताइए कि गांव में क्वारंटीन कैसे रहेगा, वो रह ही नहीं सकता है। फिर अंत में हम लोगों ने उसको ये कहा कि भाई आपको परेशानी क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमें ये कहा गया कि क्वारंटीन सेंटर में जगह नहीं है। तो सच्चाई
और सरकार के दावे और वादे, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कहीं रोटी मांगने पे जेल हो जाती है, कहीं वीडियो रिकॉर्डिंग करने पे जेल हो जाती है, कहीं कोई अधिकारी थप्पड़ मार देता है, कहीं भोजन नहीं मिलता। तो इस तरीके से वो जो क्वारंटीन वाला मसला है ना, इस पर सरकार बिल्कुल ही गंभीर नहीं है। तो मतलब खाना पूर्ति कर रहे हैं, क्वारंटीन सेंटर की सच्चाई बिल्कुल अलग है सरकार के दावों के हिसाब से। तो कुंदन जी, अब बिहार कैसे बचे? देखिए, मेरी अपनी जो पर्सनल राय है, जो मेरी निजी राय है, वो ये है कि सबसे बड़ा जो प्रधानमंत्री ने भी कहा, सब पूरी दुनिया के लोग अपना रहे सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी चीज़ें हैं कि घर में रहिए, इन सबसे तो बचना है ही, लेकिन ये कुव्यवस्था और भ्रष्टता से बचनी है सबसे बड़ा। देखिए, आज भ्रष्टता और कुव्यवस्था नहीं होती ना तो इतने लोग मरते नहीं और इतने लोग रोज शिकार नहीं होते। तो इसके बाद कोरोना तो चला जाएगा, उसके बाद क्या आएगी? बेरोजगारी, महंगाई, है ना, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो इनसे बचने के लिए हर युवा अपने आप में एक अपना स्किल डेवलपमेंट टाइप का करे कुछ, जिसके ये जो छुट्टी का समय है इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ अपने अंदर जो हुनर है उसको डेवलप करे, और सरकार के भरोसे बिल्कुल ना रहे, ना केंद्र के भरोसे रहे, ना राज्य के भरोसे रहे। सिर्फ ये आपको मजदूर बनाएंगे, ये आपको कुछ नहीं दे सकते। इसलिए आगे जो कोरोना के बाद होने वाला है उसकी चिंता मुझे है, और हर युवाओं को ये चिंता अपने अंदर सोचना चाहिए कि इसके बाद हमें क्या करना है, और मेरे हिसाब से अपने अंदर के गुण को उनको डेवलप करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद बहुत भयानक स्थिति पैदा होने वाली है। मेरे लिए मैं ये संदेश अपने बिहार के सभी दोस्तों, युवाओं को देना चाहता हूँ कि आप सरकार के भरोसे ना बैठे। अभी STT की परीक्षा भी कैंसिल कर दी बिहार सरकार ने, जिन्होंने इतने मेहनत करके परीक्षा दिया था, उसके बाद उनकी परीक्षा कैंसिल हो गई। तो सरकार चाहती नहीं कि आप कुछ करो, आप मजदूर बनो, इनका यही ध्येय है। आप वोट करो हमें, बस आपको मजदूर बनाएंगे और इसके सिवा आपको कुछ नहीं देंगे, बस सरकार का ये मोटिव है। तो इसलिए अपने घर में रहें और अपने हुनर को तलाशें कि हमारे अंदर क्या हुनर है, और कोरोना के बाद कोशिश करें कि उसको निखारने का प्रयास करें। जी।